मैं हूं मामदा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे और आज काफी दिनों बाद, आई थिंक 7-8 दिन बाद हमारी यहाँ पे धूप निकली है, तो इसलिए ना कुछ कपड़े रखे थे वॉश करने के लिए जो मैं पहले ही वॉश करने वाली थी लेकिन नहीं कर पाई। तो धूप निकली है तो इसलिए कपड़े वॉश करने के लिए मैं बैठ गई हूँ और मैंने सोचा कि अब से ही मैं ब्लॉग स्टार्ट भी कर देती हूँ। तो ये जनरली बेडशीट्स हैं, 2-3 बेडशीट्स मैं लेके बैठी हूँ वॉश करने के लिए। तो मैं ना अपने हाथों से जब वॉश करती हूँ ना, मैं बहुत ही अच्छे से वॉश कर नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे हाथों से ना कपड़े बहुत अच्छे से वॉश नहीं होते हैं। मैं कोशिश तो करती हूँ पर नहीं होता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, जस्ट ऐसे रेगुलर जो वॉश करने का होता है ना, तो वो ही वॉश कर रही हूँ। वरना मैं बड़े बड़े चीज़ें ना मैं हमेशा मशीन में ही डालती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें मैं अच्छे से वॉश कर देती हूँ लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें मैं मशीन में डालती हूँ। तो आज पहली बार आप लोग मुझे देखोगे कपड़े वॉश करते हुए। हाँ, सो नीचे आ गई हूँ पसीना पसीना होके और आज हो रही है कुछ स्पेशल, क्योंकि आज का लंच ना थोड़ी बहुत तो मम्मी ने बनाई है एंड बाकी का बना रहे हैं शेफ। क्या बना रहे हो आज? हम लोग बना रहे चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बन रहा है पहली बार ही ना हमारे घर में पहली बार ही बन रहा है। आप लोग देखोगे कि कभी ना मैंने बिरयानी वगैरह मैंने कभी बनाई नहीं, मतलब बनाना कैसे होता है मुझे पता है पर पता नहीं क्यों मुझे ना डर लगता है। तो और मम्मी भी कभी बिरयानी नहीं बनाई और बाकी सारा खाना जो है ना वो मम्मी ने ऑलरेडी बना लिया है। और ये है मैरिनेट किया हुआ चिकन, ये है बॉईल किया हुआ अंडा और यहाँ पे आपका मतलब चावल बनाने के लिए पानी दिया है तो इसमें उबाल आएगा अभी, फिर जाएगा इसमें चावल। और ये देखिए अभी लेयरिंग का काम चल रहा है यहाँ पे। ओके, बिरिस्ता राइट। कितनी बार बना चुके हो बिरयानी? इससे पहले मैं एक दिन घर में बनाया था ना, कुछ क्या ओकेशन था हम लोग का, बिरयानी बनाया थे, मटन बिरयानी बनाए थे जलपाईगुड़ी में, टिया भी थी, मम्मी भी थी। ओ हा 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 यार, किस ओकेशन में, मैं भूल गई, बॉबी की, बॉबी की, हाँ बॉबी के बर्थडे पे बिरयानी बनाई थी, तब तो काफ़ी अच्छा लगा था खाने में। इसमें थोड़ा घी डालो। मैं डाल रही हूँ घी इसमें और ये डाल रहे हैं, हो गए घी, यस मम्मा। और यहाँ पे है व्यान, व्यान का खाना पीना हो चुका है ना, एक सेकेंड मम्मा। और ये है केसर और दूध का मिश्रण,
लेकिन केसर का कुछ भी कलर नहीं आया है ना। ये है ब्लैक पेपर अबे yes। ये बड़ा सा हांडी में बन रहा है और कुछ जुगाड़ लगाया है ऊपर का, ये कुछ जुगाड़ रह गया हाँ तो वेट रहेगा इसमें। अभी खोलने की बारी है, देखते हैं कि कैसा हुआ है। खुशबू तो बहुत अच्छी निकली थी, दम थोड़ा लीक हो जा रहा था तो अभी हम लोग देखते हैं इसका क्या कंडीशन है। है आप लोग देख सकते हो और मैं नहा धो के आ गई हूँ। और हाँ एक चीज मैं आप लोगों को मैंने दिखाना ही भूल गई, वो है कि हमारा जो एक्वागार्ड है ना वो लग गया है, तो कल ही इसका इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो आजकल हम लोग एक्वागार्ड का ये पानी पी रहे हैं और बिरयानी ऊपर से तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी देखती हूँ कि कैसा लगता है खाने के बाद। और हाँ क्योंकि मम्मी पापा तो चिकन नहीं खाते तो उन लोगों के लिए आज बना है हिलशा फिश करी। और वियान भी बैठ गया है पापा के साथ। वियान की खाचे टेस्टी मम्मा। वियान का खाना बहुत पहले हो चुका है, अभी वियान बैठा है बिरयानी टेस्ट करने के लिए। टेस्टी मम्मा भालो लग जाए ना और गरम मन हो गय की मम्मा। ओ चिकन खाबे। वियान के लिए बना है रोहू फिश करी। ভিয়ান সে হাই এটা টেটি টেটি হচ্ছে ওকে। ये सब का खुशबू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट जब से मैं हैदराबाद गई हूँ वहाँ का बिरयानी खाने के बाद मुझे लगता है कि हाँ वहाँ का बिरयानी बहुत टेस्टी है। और बिरयानी थोड़ा सा अलग फ्लेवर में होता है, तो वो फ्लेवर मुझे ज्यादा पसंद है देन यहाँ का जो बनता है हम लोग यहाँ पे जो बिरयानी का फ्लेवर है। तो सैकदा ने उस टाइप से ही बनाया है और सैकदा को मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि वाटर ये सब दिया ही नहीं, लेकिन ना बहुत ही ज्यादा लाइट लगा और टेस्टी था।
बहुत टेस्टी था, मतलब हेवी भी नहीं लग रहा है। हम लोग बिरयानी खाया है बट हेवी नहीं लग रहा है पेट। हाँ, बहुत ज्यादा लाइट था, अच्छा ही लगा सबको खाने में। और यहाँ पे टिया अपना पिटारा खोल के बैठी है। बहुत सब कुछ टिया ने कुछ कुछ ऑर्डर किया है, तो वही सब कुछ दिखा रही है, कुछ ज्वेलरीज वगैरह जो आपको धीरे धीरे दिखाएगी। बहुत जल्दी इसका छोटू सा हॉल एक आएगा। ओ बाबा, ओ नी, अभी शाम और खाने पीने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, वेब सीरीज वगैरह देख रहे थे, कोई मूवी देख रहा था। तो बस ऐसे ही हमारा आजकल दिन स्पेंड हो जाता है, अच्छे अच्छे खाना पीना और फिर मतलब मूवी वगैरह देखना, ऐसे ही हमारा दिन आजकल कटता है। सो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं आजकल। और यहाँ पे आने के बाद से ना काफ़ी फर्क दिख रहा होगा आपको मेरे फेस पे भी, वो पहले की तरह मतलब टायर्ड वाला फेस आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये अभी काफ़ी बेटर लग रहा है ना। हम सबको तो काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है ये फेस, पता नहीं फिर जब जाएंगे घर वापस तो फिर क्या होगा पता नहीं। और अभी क्या है, अभी ये लोग वापस से बैठ के देख रहे हैं टीवी। और हाँ, उस दिन मैंने दिखाया था ना कि हम लोग गए थे, एक तो साउंड में तो, और उस दिन हमने दिखाया था ना कि हम लोग गए थे टिया के वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर के पास। सो वो ना हमें रॉ पिक्चर्स जो है ना शादी के, रॉ क्लिप्स एंड रॉ पिक्चर्स, वो सब कुछ उन्होंने दे दिया है। तो कल हमने बैठ के वो इन्जॉय किया। नेक्स्ट एक दो दिन में वो शादी के वीडियो भी डिलीवर करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। और बस इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। तो विहान से मिल लेते हैं वीडियो एंड करने से पहले। ये देखो विहान पिशकाओ मामा, क्या बोल रहे हैं पता है, पिशकाओ मामा, पिशकाओ पपम। काओ मीन्स उसको काओ देखनी है, मोबाइल पे मीन्स उसको यूट्यूब में वीडियोस देखनी है। पिशकाओ, पिश मीन्स प्लीज, प्लीज काओ मम्मा। फिर अभी टिया के पास फोन है तो टिया को विहान बोल रहा है कि पीश काओ, पीश काओ पपम। वो देखिए क्या कर रहा है, पपम पीश काओ। सो गाइज, इसके साथ मैं आज का ये ब्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। तो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो, और सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ आप आओ के पीछ का, और हम सब आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड एंड अच्छा अच्छा पापा, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बाय। Hi Babai. Babai. Hello. Okay, bye. Love.